कैसे हो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं नेट 2011 का बायोलॉजी का पेपर। पिछली क्लास में हमने देखा था नेट 2011 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया था, ठीक है। आज कर रहे हैं बायोलॉजी का पेपर, शुरू करते हैं अपना। फर्स्ट आई ऑफ पोटेटो ट्यूबर आर, आपने देखा होगा ना आलू में आंखें होती है, वो आंखें क्या होता है? एक्सिलरी बड होगी, रूट बड, फ्लावर बड या शूट बड, याद रखना वो होती है एक्सिलरी बड, ठीक है। आइज क्या होती है अपनी? एक्सिलरी बड होती है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन अपना, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मेथनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन, मेथनोजेंस कहाँ पे होते हैं? वो केटल यार्ड में होंगे, ठीक है ना। मेथनोजेंस कहाँ पे होंगे? केटल यार्ड में, जहाँ गाय भैंस को रखते हैं, क्योंकि इनके गाय भैंस का जो गोबर होता है ना उसी में ये होते हैं, ठीक है ना। और इनके गट में भी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो मेथनोजेंस देखो हॉट फ्यू में तो मिलेंगे नहीं ना, वहाँ पे थर्मोसिडोफिल्स मिलते हैं, सल्फर रॉक में भी नहीं मिलेंगे, है ना। केटल और पोल्यूटेड स्ट्रीम में भी नहीं मिलेंगे आपको, केटल यार्ड में मिलेंगे। केटल यार्ड मतलब गाय भैंस का बाड़ा होता है ना, वहाँ मिलेंगे आपको। कह रहे यहाँ तक देखो, नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन अपना थर्ड क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर, नेचर में सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी है? एंजियोस्पर्म की, फंगस की, इंसेक्ट की या बर्ड की? रखना सी ऑप्शन इंसेक्ट। आपने पढ़ा होगा ना लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में तो इंसेक्ट आता है ना, तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में, क्लियर है, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में भी पूछ ले तो आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट जो ग्रुप है वो सबसे बड़ा है। फिर यहाँ तक फाइलम पूछे तो भी आर्थ्रोपोडा, उसके ग्रुप पूछ ले तो इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर आर्किगोनियोफोर आर प्रेजेंट इज, देखो आर्किगोनियोफोर क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना। एंथ्रिडियोफोर होती है मेल, आर्किगोनियोफोर होती है फीमेल। इसमें होते हैं फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, कारा या एडियंटम, याद रखना आर्किगोनियोफोर होती है मार्केंशिया में, ठीक है। और फिर जो फ्यूनेरिया वगैरह है, कारा है, एडियंटम, इनमें तो देखो कारा इनमें तो वगैरह होते हैं, एडियंटम में आर्किगोनियोफोर नहीं होता, आर्किगोनिया होता है, ठीक है। और मार्केंशिया में आर्किगोनियोफोर होती है। क्लियर यहाँ तक? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ, कंपेयर द गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स, द गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट टेंड्स टू बी, आपको गैमेटोफाइट को कंपेयर करना है ब्रायोफाइट का और वैस्कुलर प्लांट का, क्या होगा? ब्रायोफाइट का क्या होगा? स्मॉलर होगा, और स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, याद रख किस तरह याद रखना, तो ब्रायोफाइट का ना छोटा होता है और सेक्स ऑर्गन भी क्या होंगे? स्मॉलर होंगे। ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ब्रायोफाइट का देखो, ब्रायोफाइट कितने छोटे से होंगे ना, तो आर्किगोनियोफोर भी उनके जो गैमेटोफाइट्स होंगे वो भी बहुत छोटे होंगे ना, इस वजह से क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन अपना ए हो गया, स्मॉलर एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इज, ना फ्री लिविंग जनरेशन नॉट इंडिपेंडेंट किसमें होगा? देखो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, है ना, तो वो याद रखना पाइनस में, है ना, पाइनस में नहीं होता है, पाइनस है। इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेटोफाइट होता है ना वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस होता है इसका, ठीक है, इस वजह से। अगला है क्वेश्चन अपना सेवन, इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के लिए इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? है ना, गोल्जी बॉडी होती है। ये पहले जो 2020 का क्वेश्चन है ना आपके नेट में, वहां पर भी आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है 2011 से 20 में, ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक। कह रहे हैं तो सातवें क्वेश्चन का क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ बनते हैं? बनते हैं गोल्जी एपरेटस में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट, क्या कह रहा है, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड सेल टेक्स प्लेस, तो पेप्टाइड का सिंथेसिस हो रहा है ना सेल के अंदर, कहाँ होगा यार? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो पेप्टाइड का मतलब क्या था? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना, तो अमीनो एसिड होंगे ना वो पेप्टाइड का फॉर्मेशन कहाँ पे करेंगे? तो राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, है ना, और पेप्टाइड से ही प्रोटीन बनते हैं, तो राइबोसोम अपना ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नाइन, इन यूकेरियोट्स अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल्स यूकेरियोट्स इज, यानी यूकेरियोट सेल का आपको वो सेल कंपोनेंट बताना है ना, रिसेंबल्स, है ना। ऑप्शन क्या है देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू बैक्टीरिया का कौन सा वो कैरेक्टर था जो यूकेरियोट सेल का सिमिलर था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट देखे अपन या यू बैक्टीरिया की देखे, दोनों की सेम होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन टेन, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विथ, म्यूटेशन किसके साथ में आप इंड्यूस करवा सकते हो? गामा रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, आईए या इथाइलिन? देखो तो इथाइलिन होगा नहीं, ये हार्मोन है, आईए भी हार्मोन है, से भी नहीं होगा, और इसने इंफ्रारेड रेडिएशन दिया, इनसे भी नहीं होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन के लिए गामा रेडिएशन होती है ना, आपने सुना होगा ना गामा गार्डन का नेम, गामा गार्डन या गामा रेडिएशन से म्यूटेशन कोर्स करवा सकते हो, क्वेश्चन टेन का ऑप्शन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन इलेवन, क्या कह रहे हैं, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग डाइवर्स एलील्स ऑफ ऑल जीन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड, आपके पास कलेक्शन है प्लांट और सीड का, है ना, सारे एलील्स का, जीन का, किसी भी क्रॉप का, उसको क्या कहोगे आप? कहोगे आप जर्मोप्लाज्म, ठीक है ना, जर्मोप्लाज्म।
जीनोम भी नहीं कहेंगे, हर्बोरियम नहीं, जिनको कहते हैं अपन जर्म प्लास कलेक्शन, जर्म प्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में कौन कैटलिस्ट जैसे वर्क करता है? 23S आरआरएनए, 23S देखो पहला और दूसरा ऑप्शन सेम सेम ही देगा, है ना, एसएनआरएनए या एचएनआरएनए। ठीक है, तो याद रखना अपना 23S आरआरएनए। बैक्टीरिया में जो 23S आरआरएनए होता है ना, वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है। ठीक है, आरएनए एज एंजाइम, सुना होगा ना आपने राइबोसाइम, वो वाला यहाँ पे आरएनए एज एंजाइम, 23S आरआरएनए। देखो ऑप्शन सेम ही है वैसे पहले दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट वो देखना था। फ्लोर इज फ्लोर ऑफ टुलिप इज मॉडिफाइड शूट, है ना, और फिर टोमेटो इज ए फ्रूट कैप्सूल, नहीं कैप्सूल कैप्सूल टाइप का फ्रूट है क्या। सीड ऑफ ऑर्चिड हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, पहले सही दिया इसने, टुलिप है ना वो मॉडिफाइड शूट होता है, फ्लोर ऑफ टुलिप या ऐसे सिंपल चाहिए ना, फ्लोर इज ए मॉडिफाइड शूट, तो भी सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कितना हो गया यहाँ पे, 13 हो गए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 14, द फ्लोवर करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ चिली, चिली मतलब सोलानेसी फैमिली का देखना आपको, है ना, तो प्लस होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों होना चाहिए, है ना, मतलब इसका मतलब था एक्टिनोमॉर्फी। के फाइव सी फाइव, देखो उसमें क्या था, के फाइव था सी फाइव था, है ना, और फिर क्या था, ओवरी कितने होगी यहाँ पे, ओवरी दो होगी। ठीक है, कैलिक्स भी सारे फ्यूज है और कोरोला भी सारे फ्यूज है, देखो पहले वाले में ना कैलिक्स फ्यूज नहीं है ना, आपको कैलिक्स को भी फ्यूज करवाना है, कैलिक्स कोरोला दोनों फ्यूज है दोनों इसी वाले में, और एंडोस्टियम फ्यूज नहीं होंगे, एंडोस्टियम फ्री होंगे, ऑप्शन सी सही होगा, सोलानेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 15, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं ना, तो याद रखना वो ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को नाइट्रेट्स में, नाइट्रीफाइंग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे अमोनिया को नाइट्रेट्स में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजनेशन है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है, और कैसे इंक्रीज करवाएगा, क्या करेगा वहां पे उस सेल में जितना भी ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेग हीमोग्लोबिन पिंक कलर का पिगमेंट होता है, जब ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे ना तभी वो लेगी जो वहां पे नाइट्रोजन एंजाइम है वो फंक्शनल होगा इस वजह से। क्वेश्चन अपना 17, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट नॉट रिमोबिलाइज्ड, कौन सा रिमोबिलाइज्ड एलिमेंट्स नहीं है, सल्फर फॉस्फोरस कैल्शियम या पोटेशियम, याद रखना कैल्शियम ना, बाकी सारे मोबाइल है, ये नॉन मोबाइल है। क्वेश्चन 18, अ ड्रूफ डेवलप, फ्रूट का टाइप दिया ना वो कहाँ पे होता है ना, मैंगो वीट, देखो वीट में तो कैसा होता है, कैरिप्सिस होता है, वीट तो आप ऐसे ऑप्शन में हट गया आप सी वाला, तो है ना मैंगो में याद रखना ड्रूप, ड्रूप फ्रूट को पूरा स्टोनी फ्रूट भी बोलते हैं, देखो ना जो सीड होता है ना इसका मैंगो का कैसा खतरनाक होता है, हार्ड होता है, स्टोनी होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या होगा, ग्राउंड टिश्यू इंटरनल टू एंडोडर्मिस के सारे अंदर वाले, एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के सारे बाहर वाले, ग्राउंड टिश्यू एक्सेप्ट इपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू, सही बात है, वेस्कुलर बंडल और इपिडर्मिस के अलावा जितने भी बचे ना सारे आते हैं ग्राउंड टिश्यू में, इपिडर्मिस के सारे इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, वेस्कुलर बंडल आते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, VTS में। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू में क्या होगा अपना, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा जो भी बचा हुआ सारा अपना ग्राउंड टिश्यू होता है। अगला क्वेश्चन है 20, इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग, जो गार्ड सेल होती है ना वो एपिडर्मल सेल से डिफरेंट होती है, कैसे होगी, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्म मिटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें याद रखो उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अभी आप माइक्रोस्कोप में देखना है स्ट्रक्चर को आपको बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे। ठीक है, क्रोमेटा क्लोजिंग ओपनिंग में वही वाली सेल है ना ये हेल्प करती है। इन द ओवरी ऑफ हाफ इन्फीरियर फ्लावर ऑफ, इसके ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है, गुआवा पीच कुकुम्बर या कॉटन, तो याद रखना पीच, पीच की हाफ इन्फीरियर होती है। चलो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22, द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, है ना, कॉर्क कैम्बियम को कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स आप कलेक्टिवली क्या कहोगे, फिलम, फेलोडर्म, फेलोजन या पेरीडर्म, याद रखना इन सबको बोलते हैं अपन पेरीडर्म, है ना, सबके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेरीडर्म, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा रॉन्ग मैच करा रखा है, पहला है केसिया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, केसिया में इम्ब्रिकेट होता है, सही, रूट प्रेशर जैसा गट्टेशन होता है, सही बात है, पक्सिनिया, पक्सिनिया स्मट,
ना पक्सिनिया स्मट, पक्सिनिया सिर्फ स्मट नहीं होता, पक्सिनिया से रस्ट होता है। स्मट किससे होता है? तो स्मट याद रखना ऑस्ट्रेलिया से होता है। ठीक है, तो ये वाला है। बाकी रूट डार्ज इसलिए, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसने गलत दिया था, पक्सिनिया से स्मट नहीं होकर रस्ट होता है। अगला क्वेश्चन अपना 24, फ्लोवर आर जाइगोमॉर्फिक इन, इसमें जाइगोमॉर्फिक होंगे, जाइगोमॉर्फिक मतलब आप किसी एक प्लांट से उसको बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तुरा मस्टर्ड गुलमोहर या टोमेटो, गुलमोहर सही होगा, ठीक है ना। बाकी इन सबके एक्टिनोमॉर्फिक है, टोमेटो है, मस्टर्ड है, धतूरा है ना, सोलानेसी फैमिली के मेंबर है, इनमें इनमें क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोवर होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 25, केम हेल्प हेल्प्स इन द हेल्प्स द प्लांट इन, जो केम प्लांट होता है ना, केम कैसुरेसियन एसिड मेटाबोलिज्म, अपने जो डार्क रिएक्शन देखी थी फोटोसिंथेसिस में, दो टाइप रिएक्शन होते हैं ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन के तीन टाइप थे, C3, C4 और केम, केम की बात कर रहा है। क्या करेगा ये, वोटर के कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, केम प्लांट जिनमें भी होता है, केम सिस्टम जिनमें होता है ना, नाइट को ओपन होंगे तो ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, तो वोटर को कंजर्व करने, क्योंकि वो प्लांट काम करते हैं जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, जहाँ पे क्या होता है वोटर बहुत कम होता है पहले से। क्वेश्चन नंबर 26, टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन प्रोपोर्शन ऑफ PAR इज, टोटल सोलर रेडिएशन का जो PAR में वो कितना आता है, ठीक है, याद रखना लेस देन 50%। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितनी होगी, 50% से भी कम होती है। PAR की फुल फॉर्म होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और इसकी अगर रेडिएशन पूछ ले, रेंज पूछ लेना, तो 400 से 700 नैनोमीटर याद रखना, 400 से 700, 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ए प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग सिंबायोटिक बॉन्डिंग, क्या पूछा इसने, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑटोट्रॉपिक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है किसके साथ में, सिंबायोटिक एसोसिएशन होता है, याद रखना ये होता है साइकस के साथ में ना, एनाबिना साइकेडी, वो कौन होता है उसके साथ में, एनाबिना होता है उसको, एनाबिना साइकेडी जो साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है और प्रोकैरियोट होता है, साइकस ऑप्शन सही सही होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीसीज ऑफ सिट्रस, ठीक है, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी होते हैं ना, न्यूसेलर से वहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है सीड में, उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। सबसे पहले नावासियन ने सिट्रस में डिस्कवर किया था पॉलीएम्ब्रियोनी का कॉन्सेप्ट, तो ऑप्शन बी सही होगा अपना सिट्रस। क्वेश्चन 29, फिलिपोम एपरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, याद रखना वो सिनर्जिक का होता है, फिलिपोम एपरेटस किसके साथ में होता है, सिनर्जिक से ना, फिंगर लाइक एपरेटस होता है, ये करता है पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, पोलिनेशन के टाइम। अगला क्वेश्चन अपना 30, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एल्यूरोन सेल ऑफ प्लांट विथ 42 क्रोमोसोम इन द रूट टिप, अगर उसकी रूट टिप है ना, रूट टिप मतलब जो सोमेटिक सेल है उसमें 42 क्रोमोसोम है, जो एल्यूरोन लेयर होगी ना उसमें कितने होंगे, ठीक है, याद रखना जो एल्यूरोन लेयर होती है ना वो ट्रिप्लोइड होती है, ठीक है, जो एंडोस्पर्म होता है ना, इसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है ना वो थ्री होता है अपना, और एंडोस्पर्म से क्या होता है इस लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, तो ये भी 3N हो गई है ना, तो देखो 42 क्या है, 2N है, अब कितना हो जाएगा 21, तो 21 इंटू 3 तो 63 हो जाएगा, ऑप्शन अपना सी, 3 होती है 3N इस वजह से। अगला क्वेश्चन, विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पोलिनेशन किस में कॉमन है, ग्रासेस में कॉमन है, ठीक है, ग्रासेस या पोएसी फैमिली, मक्का है, गेहूं है, इनमें होता है। अगला क्वेश्चन है अपना 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनेशन इज ऑटोगेमस ना, किस में ऑटोगेमस टाइप का पोलिनेशन मिलेगा, कौन सा ऑटोगेमस का है, पहला है क्लिस्टोगेमी, रिटर्नोगेमी, जिनोगेमी या चस्मोगेमी ना, चस्मोगेमी, याद रखना जो क्लिस्टोगेमी होता है ना, क्लिस्टोगेमी वो ऑटोगेमस टाइप का होता है, सेल्फ पोलिनेशन को कह सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन की जहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मास ऑफ लिविंग मैटर एट द ट्रॉपिक लेवल इन ए एरिया एनी टाइम इज कॉल्ड, ठीक है, जो लिविंग मैटर है ना किसी ट्रॉपिक लेवल में, उसके मास को क्या कहोगे, पहला स्टैंडिंग सॉरी स्टैंडिंग इसको कहेंगे स्टैंडिंग क्रो, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, याद रखना इकोलॉजी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन केस ऑफ भोपाल ट्रेजिडी ना, भोपाल ट्रेजिडी हुई थी ना, वो कब हुई थी वगैरह देखना, 2-3 दिसंबर को 1994 में हुई थी, सही बात है ना, कौन सा रॉन्ग है वो देख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो सही है अपना ना, 2-3 दिसंबर रात में हुई थी ना, इस वजह से 2 या 3 दिसंबर वाली जो रात थी ना 1994 में, लाइसोसाइनाइड का लीकेज हुआ था वहाँ पे, सही, MIC का, बहुत सारे लोग मरे थे, ये भी सही है।
रेडियोएक्टिव फॉल आउट हुआ था ना, रेडियोएक्टिव नहीं था यहाँ पे, पॉइजनस गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 35, सेकेंडरी स्वेज ट्रीटमेंट इज मेनली, सेकेंडरी स्वेज ट्रीटमेंट होता है ना वो क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो याद रखना जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया वहाँ पे उसको ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या है, लिविंग बींग है, लिविंग बींग के थ्रू जो प्रोसेस हो रहा है उसको कहेंगे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑप्शन सही होगा। अगला है यूट्रोपिफिकेशन इज ऑफन सीन इन, यूट्रोपिफिकेशन कहाँ पे होता है, माउंटेन्स पे होता है, नहीं डेजर्ट में होता है, नहीं फ्रेश वाटर लेक्स में होता है। लेक में क्या होता है, वहाँ पे कोई भी जो हार्मफुल चीज़ें हैं ना, फर्टिलाइजर्स वगैरह है, उसका क्या होगा वहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे जो एल्गी वगैरह हैं या आइकोनिया कहते हैं जिसको, है ना, वो बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो करने लग जाएंगे, उसको बोलेंगे यूट्रोपिफिकेशन, फ्रेश वाटर लेक में होता है। अगला याद रखना क्वेश्चन नंबर 37, लार्ज वुडी पाइंस आर मोर कॉमनली फाउंड इन, है ना, लार्ज वुडी कहाँ मिलेंगे, लार्ज वुडी पाइंस अपने को कहाँ मिलते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, नहीं मैग्रोव नहीं, ट्रॉपिकल फेरेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, लार्ज वुडी पाइंस कहाँ मिलते हैं अपने को, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, याद रखना ही पाइंस मतलब देखो इसकी कैनोपी ना बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इनको बोलते हैं अपन कैनोपी, मतलब जो छाया होती है ना पेड़ की, कहाँ तक फैला हुआ उसको। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एक्रोनिम्स इज करेक्ट, इसका एक्रोनिम करेक्ट होगा, पहला IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, सही है, पहले सही दिया इसने, सेकंड दिया इसने बी IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना, ये क्या होता है, इंटरनेशनल पैनल नहीं होता, इंटर गवर्नल पैनल है ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल होता है, तो इंटरनेशनल होकर इंटर गवर्नमेंटल हो जाएगा। UNEP क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, पॉलिसी नहीं होगी, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी कि पॉल्यूशन एजेंसी, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन 39, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेसन, सेकेंडरी सक्सेसन में करेक्ट पूछा आपने, पहला इट इज सिमिलर प्राइमरी सक्सेसन, है ना, रिलेटिवली फास्ट होता है ना, सिमिलर तो नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है उससे। नेक्स्ट इट्स बिगिन ऑन बेयर रॉक पे होता है, प्राइमरी होता है वो। नेक्स्ट इट अकर्स ऑन डीफॉरेस्ट साइड, हाँ जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था और अभी डीफॉरेस्ट होगा ना वहाँ पे ये होगा, तो ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इंडिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी कौन शो करता है, मैंगो, ग्राउंडनट्स, राइस या मेज, मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करता है राइस, याद रखना राइस की इंडिया में कितनी वैरायटी है, अप्रोक्सीमेट 2 लाख है ना, इतनी वहां पे वैरायटीज है राइस की इंडिया में, है ना, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी है अपने पास, राइस की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर, कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है, माइकोराइजा, एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम या नॉस्टॉक, एग्रोबैक्टीरियम है ना, एग्रोबैक्टीरियम बायो फर्टिलाइजर नहीं है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ना, ये अलग है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लेते हैं इसको, जीन ट्रांसफर करने में, तो ये बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल नहीं था, बाकी सारे बायो फर्टिलाइजर के एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर अपना 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर द एंट्री फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन सा है, स्किन, एपिथेलियल या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, टीयर्स या मोनो, फिजियोलॉजिकल पूछा इसने, फिजियोलॉजिकल मतलब कोई ना कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा, वो है अपना टीयर्स, है ना, ऑप्शन सी, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फरस फ्रॉम सोइल, प्लांट सोइल को जैसे फॉस्फरस को एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें कौन हेल्प करता है इसको, अमीबा, क्रोमस, राइजोबियम या फ्रेंकिया, है ना, फॉस्फरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है क्रोमस, ठीक है, बाकी एना बिना तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में है, फ्रेंकिया, राइजोबियम ये सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड थे, देखो ग्लोमस का आपको पता भी नहीं है ना, एना बिना नाइट्रोजन का करता है, राइजोबियम भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, फ्रेंकिया भी राइजोबियम नाइट्रोजन का करता है, तो इसके अलावा जो बच गया वो अपना ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। चलो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, हीमगिरी डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस जेनेटिक फर्स्ट पैथोजन और वैरायटी, देखो हीमगिरी किसकी वैरायटी है ये पूछा है इसने,
ना, व्हीट, चिली, मेस, शुगर कैन, याद रखना हिमगिरी है व्हीट की वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया ऑन स्वेज। एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, उसकी एक्टिविटी से इसका फॉर्मेशन होता है। मार्श गैस, लाफिंग गैस या मस्टर्ड गैस, याद रखना ऐसा होता मार्श गैस। यहाँ पे अगर मीथेन दिया होता ना तो भी वो ऑप्शन भी सही होता, मीथेन को मार्श गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास 46, ये कहा इसने एग्रोस एक्सक्रेटेड फ्रॉम सी वुड्स ना, एग्रोस सी वुड फाइंड इज द यूजिंग ना, एग्रोस को कहाँ यूज करते हैं अपन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं ना, डीएनए फ्रेगमेंट्स को उसके साइज के अकॉर्डिंग जहाँ पे सेपरेट करना होता है वहाँ पे। जिस जनरली अपन इसको अगर अगर भी बोलते हैं, अगर अगर या एग्रोस है ना, वहीं से मिलता है अपने को। सीवीड से ऐसा कहते हैं जिसको, सिंपल सा कहे क्या होता है, ये होता है एल्गी से का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो रेड एल्गी होती है उसे मिला, जैसे जेरेडियम एग्रेसिलेरिया इसके एग्जांपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज, सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से, याद रखना माइस। 95% जो एनिमल्स है ना वो चूहे हैं, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट बेचारे चूहों पर होता है ना, ऑप्शन सी। अगला है 48 है कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बीच फर्मेंटेशन इज डन टू, जो कंटिन्यूसली आप शुगर ऐड करते हो ना फेड बीच फर्मेंटेशन में वो क्यों करते हो, डिग्रेड स्वेज, प्रोड्यूस मिथेन, ऑप्टेन एंटीबायोटिक्स, प्यूरिफाई एंजाइम, ऑप्शन डी प्यूरिफाई एंजाइम, जो फेड बेंच होती है ना वहाँ पे एंजाइम की प्यूरिफिकेशन के लिए अपने ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्ट टू ना, आरएनए इंटरफेरेंस को क्या करोगे, प्लांट प्लांट को है ना डेवलप करते हैं ना प्लांट रेजिस्टेंस, किसके थ्रू, किसके अगेंस्ट डेवलप करते हैं, इंसेक्ट, नेमेटोड, फंगस या वायरस, याद रखना ये नेमेटोड के लिए होता है ना, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक नेमेटोड अगेंस्ट प्लांट वैरायटी डेवलप करने में काम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50, जया एंड रत्ना डेवलप्ड फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ये जया और रत्ना किसकी वैरायटी है, याद रखना ये राइस की वैरायटी है, इनकी रीति अपने पास स्वीट की, और जया रत्ना किसकी है, राइस की है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकेरियोट सेल, यूकेरियोट सेल का कौन सा एग्जांपल आपके पास नहीं है, अमीबा, प्रोटीएस, अमीबा है ना प्रोकैरियोट होता है ना, पैरामीशियम ये भी प्रोकैरियोट है, ई कोलाई ये बैक्टीरिया है, ठीक है, सी ऑप्शन अपना, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट है, यूग्लेना भी यूकेरियोट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड, देखो आपको मैच किसके साथ में मैच करवा रखा है वो देखिए, हां पहला है हाउस फ्लाई, मस्का इसका ऑर्डर है क्या, नहीं मस्का ऑर्डर नहीं है इसका, मस्का क्या है, मस्का है इसका जीनस, टाइगर में टाइग्रिस इसकी स्पीसीज है, सही है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, बाकी कटल फिश में मोलस्का क्या है इसकी क्लास है, नहीं मोलस्का इसका फाइलम है, उसमें प्राइमेटा क्या है इसकी फैमिली है, इसकी ह्यूमैनिटी होती है प्राइमेटा इसका ऑर्डर, ठीक है, तो भी ऑप्शन हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 53, क्या कहता है 53, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम, देखो आपको मैच करवाना है ठीक है ना फाइलम इनके साथ में, इसने कैसा कौन सा करेक्टली मैच है वो, देखो पहला दिया इसने ओरेलिया, कैरेक्टर इसने दिए नीडोब्लास्ट होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंडेटा है, ठीक है, फिर एस्केर इसमें है बॉडी सेगमेंटेड होगी, मेल फीमेल डिस्टेंस होते हैं अलग होते हैं ना, और एनिलिडा का यानी एनिलिडा नहीं एस्केर में जिसका होता है नहीं, सेलामेंड्रा टिम्पेनम प्रेजेंट है ना, ईयर एज ए टिम्पेनम होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इसका बाहर होता है, और ये एम्फीबिया का मेंबर है, सही है सी वाला ऑप्शन इसमें सही है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 54, क्या कहता है 54, देखो 54 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप of animal is correctly match with its characteristic feature, ठीक है, mammalia give birth young ones है ना, birth को कहते ना, सही है, और reptilia possess three chambered heart, chordata possess mouth provided by upper and lower jaw, और condyctes possess cartilaginous endoskeleton ना, कार्टिलेज जीनस होता है, ठीक है, देखो मेमलिया में दिया ना ये सबको
अर्थ है ना, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो एक अंडे भी देते हैं मेमल्स में। पहला वाला ऑप्शन अपना सही नहीं था। सब रेप्टिलिया में 3 चैम्बर नहीं होता किसी ना, जो रेप्टिलिया में क्या होता है, जो कॉकरोच होता है उसमें 4 चैम्बर होता है, ठीक है, तो इस वजह से अपना ये हो गया। प्रेटा में क्या होता है, सब में अपर जो लोअर जो होते हैं, नहीं, इसमें जो लेस भी होते हैं, जो एक नेता है इनका जो होता है ना सब डिवीजन, एक नेता में जो लेस भी है एनिमल्स, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना, एक्सेप्शन एक भी नहीं देखना आपने को। तो कॉन्टिथीज में सही बात है, सारे कार्टिलेज के होते हैं एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 55, व्हाट विल यू लुक फॉर आइडेंटिटी फॉर सेक्स ऑफ द फॉलोइंग, है ना, आपको सेक्स पहचाना है इनका, मेल है फीमेल है, तो कैसे देखोगे। पहला मेल शार्क एस्पर्स बोन ऑन पेल्विक फिन, ठीक है, सही बात है ना, इसी से आपको पहचान सकते हो। सेकंड जैसे एस्केरिस को है ना कर्व एंटीरियर पोस्ट एंड से को मेल का होता है ऐसे, है ना, मेल फ्रॉग, बाकी सारे सही नहीं है, आपको पहला वाला सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 56, ये कुछ कर्व दे रखा है देखो आपको ना, एंजाइमिक एक्टिविटी का आपको देखना है एक्स और वाई कौन सा एक्सिस है, ठीक है, जब ऐसा कर्व दे रखा हो ना तो याद रखना एक्स एक्सिस पे आता है अपना टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे आता है एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, एक्स पे टेम्परेचर और टी पी क्या, वाई पे क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी हो जाएगी। क्लियर है 56 क्वेश्चन का ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, द सिलिएटेड कोल्यूमनर इपिथेलियल सेल इन ह्यूमंस आर नोन टू ऑकर इन, देखो ऐसे सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, कोल्यूमनर इपिथेलियल सेल, फेलोपियन ट्यूब एंड यूरेथ्रा, स्टेचिन ट्यूब एंड स्टोमक लाइनिंग्स, ब्रेंकियोस एंड फेलोपियन ट्यूब्स। यूरेथ्रा में ऐसी होती नहीं है ना, फेलोपियन ट्यूब में तो होती है और ब्रेंकियोस में भी होती है, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 58, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू माइटोसिस, माइटोसिस के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है, क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, मेटाफेज में बीच में बीच की जो मेटाफेजिक प्लेट होती है या इक्वेटोरियल प्लेट पर क्या अरेंज हो जाते हैं, सही बात है, इसने पहली बात सही बता दी। दूसरा दिया इसने क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर एनाफेज में, सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज में, ठीक है ना, सेंटर से मूव भी होने लग जाते हैं, तो इसने कहा सेंटर में रहते हैं, नहीं गलत बात है, क्रोमेटिड मूविंग स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल टेलोफेज में, होते नहीं टेलोफेज में तो चले जाते हैं, प्रोजेप्टेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिल अवेलेबल विजिबल टू एंड ऑफ फोकस, एंड ऑफ फोकस में सारे विजिबल होते ही नहीं है ना, डिसअपियर हो जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन वन, राइट कौन सा था ऑप्शन, ऑप्शन अपना फर्स्ट वाला था। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाई अलोंग विद इट्स रिलेटेड फंक्शन, ये दोनों दो स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रखा है, वो किसका है आपको पहचाना है, ये लेसी थी ने कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, हाँ तो पहले पहला सही है अपना, ठीक है ना, ये लेसिथिन का फॉर्मूला था ना, ये तो बहुत खतरनाक चीज थी, इसने आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे कभी कभार ही आता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, मॉडर्न के इवोल्यूशन से रिलेटेड पूछ लिया है ना, फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, सही बात है ना, ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमिनिंग द सेक्स ऑफ गिवन एग्जाम्पल्स, ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए क्वेश्चन पूछा है, कौसा सही पूछा है, ठीक है, होमोजाइगस क्रोमोसोम एक्स एक्स प्रोड्यूस इन मेल ड्रोसोफिला, नेक्स्ट है जेड जेड प्रोड्यूस इन फीमेल बर्ड्स में, है ना, जेड जेड वहाँ पे फीमेल बर्ड्स में, एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द मेल ग्रास ऑपर में, ये डिसाइड करता है, ठीक है, सही वाला है, सी वाला ऑप्शन सही था। देखो नेक्स्ट दे रखा है अ पर्सन विथ अननोन ब्लड ग्रुप ना अंडर ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ही सफर्ड मच ब्लड लॉस, है ना, उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, उसको ब्लड की जरूरत है, तो कौन सा जो ब्लड टाइप है ना वो उसको आप बिना है ना ब्लड टेस्ट के दे सकते हो, तो आपको याद रखना ओ, ओ जो होता है ना वो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ के लिए आपको है ना वाला ब्लड आप किसी को बिना टेस्ट किए भी दे सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना।
न्यूट्रल डोनर कहते हैं ओ को। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट आर द दोज स्ट्रक्चर दैट अपीयर एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम व्हेन अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप देखोगे, बेस पेयर, जींस, न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसोम्स। ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियों की माला जैसे होती है स्ट्रक्चर्स की। क्वेश्चन नंबर 64, मैच द पॉट्स ग्लैंड विद रेस्पेक्टिव हॉर्मोन्स एज वेल एज फंक्शन। मैच करवाना था इसका ना, कौन सा सही मैच है, ठीक है ना, आपको वो देखना है, सही मैच वाले देखना, ठीक है सही मैच। पहला थायरॉइड ना थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करेगा, नहीं कैल्शियम नहीं। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, ये कॉन्ट्रेक्शन करेगा मसल्स का ना चाइल्ड बर्थ के टाइम, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और वैसोक्रोसिन करता है, रीअब्सॉर्प्शन करता है वाटर का, सही बात है ना, सी वाला ऑप्शन सही था आपने। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड हैपेंस इन द मोस्ट कॉमन कॉकरोच के लिए, आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखना है, ठीक है। फूड इज ग्राउंड बाय मैंडिबल्स एंड गिजर्ड, ठीक है सही बात है, मैंडिबल और गिजर्ड से फूड को ये चबाते क्रश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इज अपटेक बाय द ब्लड टिश्यू, इज ओ टू हेल्प इन रिलीजिंग ऑफ ओ मोर टू द एपिथेलियल टिश्यू, एक्ट एज एन रिजर्वियर ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, ठीक है सही बात है ना। जो ऑक्सीजन जो रिमेनिंग रहती है ना उसका क्या होता है, वो रिजर्व रहती है ना मस्कुलर एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना 67, Which one of the following enzyme carries on initial step in the digestion of milk? Milk digestion के related कुछ ऐसे ना। Tannin बताना आप। आप देखो कौन सा होता है, देखो trypsin भी दे रखा है इसने, trypsin भी दे रखा है, tannin भी दे रखा है, lipase भी दे रखा है, ठीक है। जो milk का digestion करता है ना वो pepsin करता है, ठीक है। क्योंकि renin renin बच्चों में करता है, तो इन्होंने बच्चों का ऐसा वैसे दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेनल पिरामिड, रेनल पिरामिड का कौन सा पार्ट नहीं है, किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लूप्स ऑफ हैंडले, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स, याद रखना ये कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स पार्ट पिरामिड का, सी ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, वन वेरी स्पेशल फीचर अर्थ फॉर्म फेरेटिमा इज दैट, फेरेटिमा का क्या होगा स्पेशल फीचर क्या है, फेरेटिमा पोस्टमा मतलब अर्थ फॉर्म की बात करें, इट हैज लॉन्ग डोर्सल ट्यूबुलर हार्ट, फर्टिलाइजेशन एग्स अकर इनसाइड बॉडी, इफ्लोसोल ग्रेटली इंक्रीज द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ एरिया डाइजेशन फूड इन द इंटेस्टाइन, है ना, सी वाला ऑप्शन सही है फेरेटिमा स्पेशल फीचर है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 70, दो फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन डाइनिंग टेबल, है ना, दो फ्रेंड्स साथ में खाना खा रहे हैं, ऑन वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग व्हाइल स्वॉलोइंग सम फूड, ऐसे कुछ खाना खाया उसने और फिर बार बार खांसने लग जाता है ना, कफिंग वुड बी द, देखो ये जो खांसना ना वो किस वजह से हुआ याद रखना, वो एपिग्लोटिस की वजह से हुआ, बात कर रहा होगा, बात करने से क्या होगा जो ग्लोटिस होगा वो ऊपर एपिग्लोटिस ऊपर ओपन हो जाता है ना, तो जो फूड था ना वो वाइन पाइप में चला गया, वाइन पाइप में जाने से क्या होगा खांस में चला गया ना आपके ट्रेकिया में, वहां से वापस बाहर आ रहा तो खास खांसते तो खाना वापस बाहर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 71, आर्टरीज आर द बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स विद, आर्टरीज के लिए देखना आपको, तो आर्टरी क्या करती है ब्लड को कैरी करती है हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में, सी ऑप्शन दिया इसने सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 72, बंडल ऑफ हीज इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन, बंडल ऑफ हीज किसका पार्ट है, याद रखना हार्ट का होता है, बंडल ऑफ हीज कहे बाइक स्पीड वॉल्व है, बाइक स्पीड वॉल्व है ना, फाइबर ये सारे हार्ट के पार्ट, कहाँ तो हो गया अपने क्वेश्चन 72 है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन 73, पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन कंटेंट इन रोड टाइप ऑफ रिसेप्टर सेल मनाई, ये किसका डेरिवेटिव है, ये विटामिन ए का होता है, ठीक है ना, रोडोप्सिन होता है विटामिन ए का,
ऐसे इस वजह से कहते हैं ना विटामिन ए वाली चीजें खाओ, गाजर खाओ, ताकि आपको की रोशनी अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड, ना जो ब्लड की प्रोटीन होती है ना उसमें कौन सा हेल्प करता है? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, याद रखना, बाकी इनमें से कोई नहीं करता, तीन ऑप्शन होंगे, ये हेल्प करता है प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 75, व्हेन अ न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेज, न्यूरॉन अपना रेस्टिंग स्टेज में मतलब वो किसी भी नर्व का इम्पल्स का कंडक्शन नहीं कर रहा है, उसके जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी? कंपेरेटिवली मोर परमिएबल के प्लस एंड नियरली इम्परमिएबल फॉर एन प्लस, ठीक है। हाँ, जब रेस्टिंग स्टेज में होता है ना तो परमिएबल होती है किसके लिए? के प्लस के लिए, और नॉन परमिएबल होती है एन ए प्लस के लिए, वैक्यूम में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन अपना 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो ऑफरेंट आरटीओस कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम नी, वहाँ पे ब्लड लेके आती है ग्लोमेरुलस में, है ना, लेके जाने वाली अवे फ्रॉम तो क्या हो जाएगा, इफरेंट हो जाएगी, पहला इसने रॉन्ग दे दिया। नेक्स्ट पीएस ने बी ऑप्शन, पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू वूमेन्स कैप्सूल, सही बात है, जो पोडोसाइट सेल होते हैं ना वो छोटे छोटे पोर्स का मतलब सिल्ड का फॉर्मेशन करेगी जिससे अपना ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं वूमेन्स कैप्सूल में, सही बात बताइए ना, बी वाला ऑप्शन। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया अपने, 76 था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 77, ठीक है, 77 देखो, आपको ऑप्शन ए मैच करवाना है ना, रिटर्न्स दे रखी है ए में, सिक्रेशन है ना, और फिर इफेक्ट क्या है बॉडी में वो दे रखा है, तो देखो कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए में ए है प्लेसेंटा, बी है ग्लूकोजन, और सी आएगा आपका कैसेटोनिन। देखो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कैसे होगा, ये यहाँ पे आएगा ओवरी, है ना, ओवरी तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है ना, तो ओवरी होती है आपने, ठीक है। अल्फा सेल्स ऑफ आईलैंड्स ऑफ लेगर हैंड्स, अल्फा सेल होती है ना वो किसका करती है, वो करती है आपके ग्लूकोगन का सिग्नेशन, बीटा करती है इंसुलिन का, तो यहाँ पे ग्लूकोगन आ जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी करती है आपके ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या करता है ज़्यादा सिग्नेशन हो जाए तो हाथी जैसे हो जाता है लोग, है ना, राक्षस जैसे टीम का है। 77 अब देखते क्वेश्चन 78, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज फाउंड इन, यूरिकोटेलिक टाइप का किस्म होता है जो यूरिक एसिड के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करते हैं, तो वो जनरली कौन करते हैं, बर्ड्स करते हैं और रेप्टाइल्स करते हैं ना, जो वाटर की डेफिशिएंसी में रहते हैं, जो उड़ने वाले जितने भी होते हैं ना वो सारे इस फॉर्म में करते हैं। रेप्टाइल्स अगर पानी में चले जाना तो फिर ये अमोनिया का करने लग जाते हैं, यूरिया का करने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 क्या कहता है, आपको एक फिगर दे रखी है वहाँ पे एबीसीडी क्या है आपको वो बताना है, ठीक है। ये क्या होगा देखो, ये यहाँ पे क्या होगा, एक की बात कर रहा है ना, तो ये अपने होगी केविटी की बात है ना, अंदर वाली केविटी है ना, तो देखो केविटी सिर्फ एक ही मारा सीन है, इसी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ए क्या है अपनी एल्वियोलर केविटी है, ठीक है, और ए ही बस एक ही पूछा है, ठीक है, बहुत सही बात हो। नेक्स्ट देखो अपना, देखो ए अपना क्या क्या था, एल्वियोलर केविटी थी ना, और जो बाकी चीजें क्या थी इसने और देखा था, ब्लड की पिलरीज है, रेड ब्लड सेल्स है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह है। क्वेश्चन 80, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है ना, तो ब्लड प्रेशर देखो क्या पूछा इसने, 90/110 mm of Hg में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और किडनी, ना ब्रेन और किडनी को हार्म कर सकते हैं इतना ब्लड प्रेशर, सही बात है भाई, 190/10, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, मतलब 140 से ज़्यादा है ना हार्म कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, वेरी वेरी हाई ब्लड प्रेशर है, सही बात कही इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन, किडनी फंक्शन रेगुलेशन से पूछा है। ऑप्शन ए ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लॉसेस लॉट ऑफ वाटर इवोपरेशन, ठीक है, वो पसीना होता है ना, वाटर कंट्रोल होती है बॉडी, रिलीज एडीएच इज सप्रेस्ड, एडीएच का जो रिलीज होता है वो सप्रेस करता है इसको, ऐसे ही नहीं है। और नेक्स्ट है व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड, कोई बहुत ज्यादा पानी पी लेता ना तो एडीएच का जो रिलीज होता है ना वो सप्रेस हो जाता है, क्योंकि एडीएच रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था, और बॉडी में वाटर ज्यादा हो गया ना तो क्या करेगा, एडीएच
कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो वाटर जितना भी ज्यादा था उसको कैसे कर देंगे बाहर। सेकंड वाली बात सही है। कह रहे यहाँ तक आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, फिगर गिवन बोलो। कोई आपको डायग्राम दे रखा है, आपको ABCD क्या है मिलाना, ठीक है ना। यूटेरस का डायग्राम दे रखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम का। तो फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है ना। देखो क्या बताओगे सबसे पहले आप। तो सारे नहीं देने इसने, है ना। इसने क्या दिया, देखो फर्स्ट वाला था वो पेरीमेट्रियम था ना, पेरीम नहीं है ना, पहला ऑप्शन ही सही हो गया अपना, एंडोमेट्रियम था। सेकेंड वाला एंडोमाइट्रियम है, सेकेंड वाला ये एंडोमाइट्रियम ये वाला, और थर्ड वाला था वो, थर्ड वाला इनफंडिबुलम है, सही बात है, और फोर्थ वाला है वो फिमली है ना। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 83, टेस्टिस ऑफ ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, है ना, बॉडी से बाहर होते हैं टेस्टिस, है ना, क्यों होते हैं, रीजन क्या था, क्योंकि अपने बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए इसको, है ना, टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, इस वजह से ऑप्शन डी, टेम्परेचर कम बॉडी से बाहर ही होगा, क्योंकि अभी तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा ना वहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इस वजह से बॉडी से बाहर होते हैं। क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, गर्भ निरोधन की सबसे अच्छी मेथड कौन सी इंडिया में, वो इसने पूछा है ना। याद रखना IUD है ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। आप यूटेरस में क्या करोगे, कॉपर डी वगैरह इंसर्ट करवा दोगे, तो उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन A 84 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 85, क्या कह रहा है, देखो इफ फॉर सम रीजन वासा इफ्रेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक, अगर वासा इफ्रेंशिया वो ब्लॉक हो जाती है, गेमिट विल नॉट ट्रांसफर फ्रॉम, गेमिट कहाँ से ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, वेजेना टू यूटेरस, तो वेजेना कहाँ आगे पे आ गया, यहाँ पे नहीं आ सकता ना, टेस्टिस टू इपीडिडाइमस, ठीक है। तो टेस्टिस से जो इपीडिडाइमस की तरफ जाता है ना स्पर्म, वो किसके थ्रू जाते हैं, वास इफ्रेंशिया से जाते हैं, और ये ब्लॉक हो गया तो जाएंगे नहीं भाई, टेस्टिस में पड़े रहेंगे, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन देखते हैं 86, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटी की बात करें, इज कंसिडर्ड सेफ, है ना, कितने वीक तक सेफ हो सकती है, ठीक है। याद रखना ये 12 वीक तक है ना, 12 वीक तक सेफ है, अप टू 12 वीक। फिर यहाँ तक आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज ए पैरासाइट इन ट्रूसेंस, है ना, पैरासाइट कौन सा है ट्रूसेंस में, कोयल लेइंग ईट्स ऑन क्राउज, है ना, जो कोयल होती है ना वो कौवे के नेस्ट में अंडे देती है, ये पैरासाइट है क्या, ट्रू पैरासाइट नहीं, पहला वाला ऑप्शन सही। मेलेनोफिलिस होती है वो ब्लड को सूख करती है ह्यूमन से, वो भी ट्रू पैरासाइट नहीं है ना, ठीक है, कुछ टाइम के लिए होता है ना। ह्यूमन फिटस डेवलपिंग इनसाइड यूटेरस, है ना, अपने मदर से नरिशमेंट ले रहा है, वो भी पैरासाइट नहीं है, ठीक है। हाउस हेड हेड लाउज लिविंग इन द ह्यूमन पाल एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेड, ये बात सही है ना, ये ऑप्शन है। ये जो पैरासाइट है ये ह्यूमन के स्कैल्प पे खोपड़ी में रहता है और अपने जो हेयर होते हैं ना वहाँ पे इसके अंडे देता है, तो ये पैरासाइटिज्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 88, देखो ये पॉपुलेशन किस टाइप की है वो प्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो बीच में रिप्रोडक्टिव फेज दिखा रहे कि आपको ये प्री प्रोडक्टिव है, प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव, और लास्ट में है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो आप ये रखना ये कौन सी है, ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन का नंबर कम हो रहा है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, इस तरह का ग्राफ बनता है, ऐसा पिरामिड बनता है, ठीक है। ये इसको कहते हैं अर्न शेप, है ना, अर्न मतलब कलश होता है ना अपना, पानी का कलश, जैसे छोटा सा होता है मटका, बीच में से फूलदार वापस ऊपर जाके सगड़ा हो जाता है ना, ये आपको याद रखना। अर्न शेप का जो पिरामिड आ जाए वो होता है डिक्लाइनिंग, मतलब इनका नंबर कम हो रहा है पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट, है ना, कौन सा गलत है पिरामिड के लिए, एनर्जी के लिए वो पूछा है। इट इज अपराइट इन शेप, शेप में सीधा होगा, सही बात है, इसका बेस ब्रॉड होगा, सही बात है। एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट टॉपिक लेवल, ये एनर्जी को शो करेगा। इट इज इन्वर्टेड इन शेप, याद रखना एनर्जी का कभी इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक है ना, हमेशा सीधा होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चल रहा अपन क्वेश्चन नंबर 90 पे, इथेनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ, इथेनॉल अपन किससे प्रोड्यूस करते हैं,
तो याद रखना वो करते हैं सेक्योरोमाइसिस से कॉमर्शियल ऑप्शन। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 91। आपको देखो क्या चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार कंडीशन दे रखी है डिजर्ट के रिलेटेड, डेजर्ट डिजर्ट है एडेप्टेशन उससे रिलेटेड, तो कौन से सही है वो बताना है। ठीक है, तो पहला दिया इसने बोरोइंग इन सोयल एक्सेप्ट हाई टेम्परेचर, जमीन में ये बिल बना के रहेगी हाई टेम्परेचर से बचने के लिए, ऐसा करते हैं क्या डेजर्ट में। नेक्स्ट है लूजिंग हीट रिपीडली फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, हीट रिलीज करती है बॉडी से, सही बात है ना, गलत होगा। नेक्स्ट है अपना बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर इज लो, ये सही नहीं है। और इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू फ्लेटेड डर्नेस, ये भी सही है। बी और नहीं, इसमें क्या था देखो बी और डी है ना, इसमें रॉन्ग राइट पूछे ना। हाँ ठीक है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा नहीं है। ठीक है ना, बता दिया मैंने ऑप्शन सी, ए और सी। नेक्स्ट अपना 92। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस आर मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के लिए मेजर कॉजेस कौन से गैस करती है ना, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन 2020 में वापस आया था। CO2 और NO2 याद रखना, ऑप्शन ए है ना, ये ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस में इनका। क्वेश्चन नंबर 93, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजॉइड्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट, जो स्पोरोजॉइड्स से वो कहाँ मिलेंगे अपने, सलाइवा ऑफ फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनाफिलिस, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड, हाँ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस है ना, उसके सलाइवा में मिलेंगे ये स्पोरोजॉइड्स, अपनी बॉडी में स्पोरोजॉइड ही इंटर करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट 94, एंड टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स लाइंस आर क्लोज्ड, परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड इज ऑफन सुपीरियर है ना, देखो जो F1 जनरेशन होती है ना वो हमेशा सुपीरियर होती है, इस फिनोमेना को क्या कहोगे आप, उसको कहेंगे हेटेरोसिस, हेटेरोसिस कहोगे, जब जो पेरेंट है ना पेरेंट से ज़्यादा उन पेरेंट का क्रॉसिंग हो रही है, उनकी जो पॉपुलेशन है या उनके जो ऑफस्प्रिंग है वो ज़्यादा उनसे पावरफुल है, यानी इसका कह सकते हैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर है, इसको प्रोसेस को बोलते हैं हेटेरोसिस। ठीक है, क्वेश्चन 95, अ सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ना एड्स, इसका कौन सा जो डायग्नोसिस टेस्ट होगा वो उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, याद में इसके लिए कौन सा एलिसा टेस्ट होता है ना, PCR से भी करवा सकते हो, लेकिन PCR के बाद में एलिसा कन्फर्मेटेड टेस्ट है, और एलिसा की फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यून एसोर्बेंट SM। ठीक है, तो 95 क्वेश्चन हुए अपने यहाँ तक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डस वन यूजली शो सिम्टम्स, ना सिम्टम्स कब शो होते हैं एड्स के, विदिन 15 डेज, नहीं इतना जल्दी नहीं होता है। देन इन्फेक्टिंग रेट्रोवायरस इंटर फर्स्ट सेल में इंटर करता है, नहीं तभी भी नहीं होते। वायरल DNA प्रोड्यूस बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तभी भी नहीं होंगे। HIV रेप्लिकेट्स रेपिडली इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट एंड डैमेज लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, हाँ जब बहुत ऑफ सेल्स को अपने डैमेज करेगा लिम्फोसाइट्स को और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी, तब इसका सिम्टम्स शो होंगे एड्स के, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। फिर यहाँ तक आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या कहते हैं 97, देखो आपके है ना यहाँ पे देखो नीचे DNA स्ट्रैंड का कुछ सिक्वेंस दे रखा है। ठीक है ना, तो सिक्वेंस ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड क्या शो कर रहा है ये है ना, तो देखो GATTC इसको देखो उल्टा पढ़ो यहाँ से GATTC, इसको एक आप आगे से पीछे की तरफ पढ़ रहे हो या पीछे से आगे की तरफ पढ़ो, अगर सेम सीक्वेंस मिले ना इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ना, तो ऑप्शन ए सही हो गया, ऐसा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस देखा ना वो इको आर्मन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना उसका सीक्वेंस है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कभी। अगला क्वेश्चन है अपना 98, द मोस्ट कॉमन सब्सट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो डिस्टिलेशन करते हैं ना इथेनॉल का, वहाँ पे कौन सा सब्सट्रेट यूज करते हैं, मोलासेस कॉर्न मिल मिल या ग्राउंड करते हैं मोलासेस है ना, मोलासेस क्या होता है जो शुगर बनाते हैं ना, तो वहाँ पे जो वेस्ट बच जाता है उसको बोलते हैं मोलासेस, उससे इथेनॉल बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99, एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर राइजिंग सोयाबीन क्रॉप, सोयाबीन क्रॉप का आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करवाना है तो कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज करोगे आप, नोस्टॉक एजोबैक्टर एजोस्पायरुलम या राइजोबियम, राइजोबियम है ना, ये सोयाबीन क्या है अपना लेग्यूमिनस प्लांट है, वो लेग्यूमिनस प्लांट का के साथ में इसके बाद में लेग्यूमिनस प्लांट होता है ना इसकी रूट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका होता है, राइजोबियम का होता है।
है तो ऑप्शन अपना राइजोबियम होगा। और आज का अपना इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बायो का 100 क्वेश्चन। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इको आर्मन, व्हाट डज इको, है ना, सीओ का मतलब क्या है, इसने ये पूछ गया। ठीक है, तो अपने नोमेनक्लेचर आपने देखा होगा ना, इको आर्म जो बायोटेक्नोलॉजी में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, तो वहां पे जो ई होता है ना वो उसका जीनस का नेम होता है। ठीक है, तो ई इसका जीनस का नेम हो गया, और सीओ क्या हो गया, सीओ उसके स्पीसीज का नेम है ना, और कोलाई मतलब ई मतलब एसीरिया, और सीओ मतलब कोलाई, कोलाई को अपन शॉर्ट में सीओ लिखते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, कोलाई। ठीक है, इस तरह से हमने बायोलॉजी के जो 2011 का नेट का 2011 का पेपर है ये, और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन आते थे तब, अभी तो 90 आते हैं, पहले 100 क्वेश्चन आते थे, तो 100 क्वेश्चन सोल्व किए, और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत इजी थे। ठीक है ना, अगर एक बार आपने ढंग से पढ़ रखे ना बायो, तो आप इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रहा हूं, फ्री में पढ़ा रहा हूं, और आप कोई भी वीडियो चाहिए तो आप बता दिया करो, आपको वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। और अभी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है रेगुलर, में वीडियो बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और बायोलॉजी के भी करने वाला हूँ। ठीक है, बस एक बार आप मेरे से केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पढ़ के देखो, आपका नेट का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में फिर यहाँ तक। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, धन्यवाद।